दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज रेसलर बजरंग पूनिया से मुलाकात की। सीएम से मिलने के बाद बजरंग पूनिया मीडिया से रूबरू हुए और बताया कि सीएम से मिलने के बाद उन्हें अच्छा लगा। उन्हें सीएम ने इनवाइट किया था। देखिए वैसे मिलने आए थे, इनवाइट किया था, काफी अच्छा लगा मिलके। और सिर्फ वैसे नॉर्मली मेडल लगा तो देने के लिए आया था, तो इसलिए आए थे। तो बातचीत क्या हुई सीएम के साथ? भाई ये नॉर्मल बातें हुई थी, भाई ट्रेनिंग कैसी चल रही है और कहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हो, पहले कहाँ पे करते थे, तो मैं वो चीजें थी। गुरु जी के साथ आए थे तो यहाँ पे आगे मुख्यमंत्री जी को भी हम चित्रसार स्टेडियम में 8-10 साल ट्रेनिंग करी है दिल्ली से, यही नॉर्मल बात है। बजरंग ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन इस बार हमारे खिलाड़ियों ने किया, क्या दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने या उस तरह का कोई आश्वासन मिला मुख्यमंत्री से, कैसे इसे और आगे बढ़ाया जाएगा, दिल्ली में इसके लिए क्या तैयारियां की जाएंगी? देखिए वो अभी उस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है, उस बारे में जब अगली मुलाकात होगी मुख्यमंत्री साहब से तो उस बारे में चर्चा होगी। यूनिवर्सिटी को लेकर कोई बात हुई क्या आपकी? अभी यूनिवर्सिटी का शायद मेरे हिसाब से काम चल रहा है, उसी रिगार्डिंग बात तो नहीं, पर हाँ मुझे लगता है स्पोर्ट्स, हमने पहले भी सुना था ये चीजें कि मुंडका में वहाँ पे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने का काम चल रहा है और खिलाड़ियों को तैयार करने की तैयारी कर रही है दिल्ली सरकार। तो अगर सरकार अगर आपको मेंटर बनिए, बच्चों को प्रोत्साहित करिए खेल के प्रति, तो आप आएंगे? देखिए अभी इस बारे में कोई चर्चा नहीं, जब बैठ के बातें होंगी जब आप लोगों को जरूर बताएंगे। आगे की बात, आगे की कैसे काम करेंगे, क्या करेंगे, कुछ भी कोई चर्चा नहीं है आगे की? अगर हम आगे देखें तो देखिए अभी मैं रेल में कार्य कर रहा हूँ और अभी मैं रेल की तरफ से जो जिम्मेवारी मुझे मिली है उसको वहाँ काम करते हुए दिल्ली सरकार की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में अगर आपको कोई भूमिका दी जाती है तो काम करेंगे उसके लिए बच्चों को? देखिए अभी इस बारे में बिल्कुल अगर कोई अच्छा वो होगा तो हम देखते हैं, नहीं तो अभी मैं रेल में हूँ। रेल में आदेश की तैयारी के लिए भरोसा सरकार की ओर से दिया गया होगा कि तैयारी आप कर रहे हैं, सरकार साथ देगी? देखिए गवर्नमेंट हमेशा साथ रहती है खिलाड़ियों की और वही आश्वासन है कि भाई आप देश के लिए खेले और मेडल जीते। बता दें रेसलर बजरंग पूनिया ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में कांस्य पदक जीतने का कमाल कर दिखाया था। बजरंग के परफॉर्मेंस ने हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, दिल्ली।